हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। आज इस ब्लॉग में हम आप लोगों को माता वैष्णो देवी का दर्शन कराएंगे, वो भी गया में। जी हाँ, गया में हाथे गोदाम के पास एक गुफानुमा पंडाल बनाया गया जिसमें माता वैष्णो देवी विराजमान है। तो बने रहे इस ब्लॉग में, और इस ब्लॉग के माध्यम से आप गया से वहाँ तक पहुँचने का पूरा रास्ता जान सकेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, आपको पूरा पता चल जाएगा। बने रहिए इस ब्लॉग में मेरे साथ। सबसे पहले आप पहुंचेंगे गया जंक्शन, उसके बाद इस वाले मंदिर को देखते हुए आप सामने निकल जाएंगे राइट साइड। राइट साइड होकर करीब आप 250 मीटर सीधा, एकदम सीधा चलिएगा, उसके बाद मिलेगा ये काशीनाथ चौराहा। उसके बाद आप लेफ्ट साइड इस साइड होते चलिएगा, एकदम सीधे चलते रहिएगा, एकदम करीब 200 मीटर। 200 मीटर चलने के बाद आप पहुंच जाएंगे हाथे गोदाम, जहां माता वैष्णो देवी का गुफा बना ले। आप सामने देख सकते हैं गेट, इसके अंदर आप प्रवेश करेंगे। प्रवेश करते आप यहां का नज़ारा देख सकते हैं। सबसे पहले आप यहां से एक टिकट काउंटर से टिकट बुक कीजिएगा, जो ऐसा वाला आपको मिलेगा, 11 रुपये का है। उसके बाद आप सीधे आप प्रसाद काउंटर पर 51 रुपये का प्रसाद लीजिएगा और सामने लाइन में लग जाएगा। अब यहाँ से आपका यात्रा शुरू होता है। सामने देख सकते हैं ये बाल गंगा है, और सीधे आप गुफा के अंदर प्रवेश करेंगे। बाल गंगा में आप पैर अपना हाथ मुंह धो लीजिएगा, और यहाँ से यात्रा प्रारंभ होता है। सीधे आप चलते रहिएगा, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। चलते रहिए और माता का गुणगान करते रहिए, जय माता दी बोलते रहिए। फिर मिल जाता है चरण पादुका, यहाँ आप इनके दर्शन करके आगे बढ़िएगा तो बाबा भोलेनाथ आपको विराजे मिलेंगे। फिर सामने वही गुफा, सुंदर सा गुफा मिल जाएगा। फिर सामने चलते रहिए और जय माता, जयकारा लगाते आगे बढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, जय माता दी बोलते रहिए। फिर आपको सामने ऐसा वाला नज़ारा दिख जाएगा, काफ़ी ही खूबसूरत तरीके से इस गुफा को बनाया गया है। आप सामने अब देख सकते हैं अर्धकुमारी आने वाला है। आप सामने देख सकते हैं अर्धकुमारी आ गया है, जहां माता लक्ष्मी जी विराजे हैं। फिर इनके दर्शन करके आप आगे बढ़िएगा, वही खूबसूरत सा आपको गुफा से होकर जाते रहिए और जय माता दी बोलते रहिए। फिर आपको श्री गणेश और लक्ष्मी जी की प्रतिमा मिलेगी। फिर आप इनको दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त कीजिए और फिर आगे यहाँ से बढ़िए तो आपको मिलेंगे कार्तिकेय भगवान। फिर आगे बढ़ते रहिए तो फिर मिलेंगे आपको हनुमान जी। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद आप फिर वही सुंदर सा गुफा, और ये है एक बीच में आप सामने देख सकते हैं माता वैष्णो देवी के आप दर्शन करने वाले हैं। जय माता दी, प्रेम से बोलिए जय माता दी। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और माता का दर्शन कीजिए। सामने माता विराजे हैं, देख सकते हैं आप एक कितना खूबसूरत तरीके से माता का दर्शन आप लोगों को हो रहा है, देख सकते हैं। जय माता दी बोलिए, प्रेम से बोलिए जय माता दी। उसके बाद यहाँ से आप आगे बढ़िएगा तो मिलेंगे बाबा भैरवनाथ, जिनके दर्शन मात्र से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। उसके बाद यहां से यात्रा आपका समाप्त होता है और आप बाहर निकल जाते हैं। फिर बाहर निकलने के बाद माता काली का दर्शन होगा इस मंदिर में। आप सामने देख सकते हैं माता काली विराजी है, जो पंचमुखी है। बोलिए जय माँ काली।